Hi everyone, welcome वेलकम टू IAS. My name is नेम Garcha रोहित this एंड दिस सीरीज To कॉल्ड टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं बहुत ही प्रिसाइज तरीके से बहुत ही टू द पॉइंट तरीके से फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि ऐसे कौन से सवाल हैं कि जो प्रिलिम्स के अंदर जो है वो पूछे जा सकते हैं ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर किए जा सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर उसको हम इसके अंदर कवर करते हैं और हफ्ते के अंदर आपको आ, बेसिकली तीन वीडियोज़ मिलती हैं और उन तीन वीडियोज़ के थ्रू आपके तीन टॉपिक्स कवर होते हैं होलिस्टिकली कि फॉर एग्जांपल अगर हम कल्चरल सेंटर की बात करते हैं हमारे इंडिया की जिसको अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था राइट तो उस वीडियो के अंदर हमने कल्चरल सेंटर के बारे में बात करी थी प्लस अबुल कलाम आज़ाद एज ए लीडर एंड उन्होंने और क्या क्या शुरू किया था तो so, इस तरीके से होलिस्टिकली आपकी एक वीडियो के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स कवर होते हैं राइट right? uh, और वंस टॉपिक इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज यू कैन बी अश्योर्ड यू कैन बी श्योर ऑन दैट कि उसके रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके प्रिलिम्स के अंदर आएगा तो यू विल बी एबल टू डू इट राइट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट वाटर एफिशियंसी वाटर फ्लो की एफिशियंसी रिलेटेड अमृत टू अमृत मिशन जो 2015 जून में शुरू हुआ था जिसके अंदर हमारा जो एक बेसिक मोटिव था बहुत सारे मोटिव हैं उसके एक जो मोटिव है दैट इज कि आप एवरी हाउस होल्ड को आप टैप वाटर पहुंचाओगे अमृत 2.0 के अंदर उस टैप वाटर को पहुंचाने की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए भी बात की गई है राइट उसके तहत कि वाटर एफिशियंसी कैसे इंक्रीज हो उसके तहत एक नया इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च होने वाला है जिसको कहते हैं भारत टैप बहुत आसान भाषा में कहें तो भारत टैप एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि ऑन सिमिलर लाइंस टू स्टार रेटिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे आपके स्टार रेटिंग्स होती है ना अप्लायंसेस में कि थ्री स्टार एसी है या फोर स्टार एसी है या फाइव स्टार एसी है या फॉर फॉर मैटर जो अप्लायंसेस हैं ये स्टार रेटिंग उसके अंदर दी होती है कि अगर फाइव स्टार तो ज्यादा एफिशियंट है वैसी ही सिमिलर स्टार रेटिंग जो है द यूनियन गवर्नमेंट प्लान्स टू तो लॉन्च अ रेटिंग सिस्टम दैट विल हैव थ्री फोर एंड फाइव स्टार वाटर फिक्सर बेस्ड ऑन वाटर एफिशियंसी एंड विल बी गवर्न अंडर भारत टैप ठीक है थोड़ा सा और देखते हैं फिर मैं आपको कुछ और बताता हूँ इसके बारे में अगेन वही है कि बेस्ड ऑन वाटर एफिशियंसी है ना और इट विल कम अंडर वन अम्ब्रेला कॉल्ड भारत टैप तो अगर सवाल आता है आपका कि भारत टैप इज एन इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो उसके अंदर अगर ऑप्शन आ रहा है कि वाटर एफिशिएंसी है ना या पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट इस टाइप के आपके वो ऑप्शन करके आएंगे तो ये जो आ, आंसर बनेगा इसका तो सिंपल सा ही है कि ये वाटर एफिशिएंसी का ही एक प्रोजेक्ट है एक प्रोग्राम है स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बस ये इतना ही है कि भारत टैप इज इज अ प्रोजेक्ट विच इज फॉर इंक्रीजिंग दी वाटर एफिशियंसी बस ठीक है ऑल मैन्युफैक्चर विल अडॉप्ट एंड प्रमोट दी स्टैंडर्ड्स एंड ब्रिंग इन वाटर एफिशियंट फिक्सचर्स थोड़ा सा ना इसको रियलाइज करते हैं कि क्या कहने की बात कर रहे हैं वॉट डू यू मीन बाई वाटर एफिशियंट फिक्सर्स आजकल जो हमारी मॉडर्न टॉयलेट सीट्स आती हैं राइट आ, अच्छी कंपनीज की जो आ रही हैं उसके अंदर में दो सेटिंग्स आपको मिलती है राइट एक होता है उसमें तीन लीटर एक होता है छह लीटर राइट तो अगर आप फ्लश करना चाह रहे हो तो टेक्नोलॉजी और वाटर डायनेमिक्स का यूज करके यू कैन जनरेट इनफ फ्लो है ना कि आपका जो रेजिड्यू है वो एकदम फ्लश आउट हो जाए और ज्यादा पानी की जरूरत ना पड़े राइट तो वाटर एफिशिएंसी ज्यादा है उन नई वाली टॉयलेट्स के अंदर यही बात हम पुराने टैंक्स की करें जिसके पीछे टैंक होता है अलग से टैंक लगता है ना तो उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है इट इज अराउंड नाइन लीटर्स राइट तो आप ऐसे करके आप पानी बचाते हो और अगर आप इसमें तीन लीटर वाला फिक्सचर यूज कर रहे हो तो और आपने उसको बढ़ा लिया सीधा वन थर्ड आप वाटर यूज कर रहे हो इसके अंदर तो इसको बोलते हैं वाटर एफिशिएंसी इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब आप जैसे जो थोड़े हाई एंड वॉशरूम्स होते हैं वहाँ पे जाते हो हाथ हाथ धोते हो या आप शायद आपके घरों में भी लगा होगा तो एक नॉर्मल टैब्स के नीचे ना एक छोटी सी जाली लगी होती है तो वाटर के अंदर ना बबल्स होते हैं पानी के बहुत एयर के बहुत सारे तो फोम फोम वाला वाटर आपको फील होता है कि वाटर बहुत लाइट है तो उससे होता क्या है कि इट इज़ यूजिंग फोर्टी थर्टी टू फोर्टी लेस वाटर अगर वो एज इट इज फ्लो करने दें वो नान बीच में लगे तो इस तरीके से आप जो है वाटर एफिशिएंसी जो है आप इंक्रीज करते हो एक और बहुत इंटरेस्टिंग सैनिटरी in तो अगर आप लोगों का घर बार बन रहा है अभी या फिर कोई कंस्ट्रक्शन आपने कभी विटनेस करी हो तो इस टाइप की चीज आपको पता नहीं चलती है वहां पर आप अगर वहां जाते हो तो वॉटर एफिशंसी कंसर्न ही नहीं होता है कहीं पर किसी का अब अगर स्टार रेटिंग आएगी तो ये एक बातचीत का मुद्दा बनेगा राइट ये एक कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनेगा खरीदते बेचते वक्त क्या है ये कॉन्सेप्ट क्या है इनिशिएटिव? इट इज अ कॉन्सेप्ट टू यूज लो फ्लो टैप एंड फिक्सर बहुत आसान भाषा में है ना कि उसका फ्लो रेट कम है।, है ना उसका वॉल्यूम कम पर मिनट उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर कम यूज हो रहा है फॉर द सेम पर्पस राइट इट विल प्रोवाइड लो फ्लो सैनिटरी वेयर एट स्केल एंड देयर बाई रिड्यूस वाटर कंजन एट द सोर्स कंसिडरेबली मतलब जहां पे लगा हुआ है इट इज एस्टिमेटेड टू सेव अप्रोक्सीमेटली फोर्टी परसेंट ऑफ वाटर सी सच अच अ ग्रेट थिंग अब देखो फोर्टी परसेंट ऑफ वाटर सेव करने का मतलब यही नहीं कि आपने सिर्फ पानी बचा लिया वो चालीस परसेंट वाटर को आपको पंप भी करना था इट इज ट्रेवलिंग आपका सोर्स से लेके जहाँ पे आप यूज कर रहे हो आपका टैप तक वो वो ट्रेवल भी हुआ है है ना आपने टैंक में भी भरना था तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होगी प्लस आपने उस वाटर को प्यूरीफाई भी करके भेजा है राइट तो प्योरीफिकेशन भी एक एनर्जी इंटेंसिव आपका जो है एक प्रोसेस है राइट तो ये सारी चीजें उसके अंदर हो रही हैं राइट उसके बाद में कहीं आपके पास पहुंच रहे हो तो अगर आप फोर्टी परसेंट वाटर सेविंग कर रहे हो तो आप 40 परसेंट से कहीं ज्यादा सेव कर रहे हो राइट क्योंकि आप उसकी प्योरीफिकेशन कॉस्ट और जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन uh, में एनर्जी लगनी थी वो सारी आपने कट डाउन कर दिया है राइट right? वही यहां पे लिखा हुआ है दिस विल टर्न रिजल्ट इन वाटर सेविंग एंड एनर्जी सेविंग ड्यू टू लेस वाटर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर पंपिंग ट्रांसपोर्टिंग एंड प्यूरिफिकेशन, ठीक है जी भारत टैब इज अ कोलेबोरेटिव एफर्ट विच वॉज फॉर्मुलेटेड अंडर अंडर अमृत टू टू ड्राइव वाटर एफिशंसी ठीक है जी अब हम एक बारी देख लेते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टू द पॉइंट के अंदर हम साथ लगते टॉपिक भी कवर कर लेते हैं दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स कि भारत टैप हमने देखा कि भारत टैप क्या है वाटर एफिशिएंसी के लिए स्टार रेटिंग एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने लो फ्लो टैप्स एंड फिक्सर्स को यूज करना है ये है भारत टैप ये किसके अंडर है अमृत टू अब हम इस वीडियो के अंदर अमृत टू भी कवर कर देंगे ताकि आपका वन सेंड फॉर ऑल सब कुछ जो है वो कवर हो जाए इफ यू विश टू कवर ऑल द टॉपिक्स है ना और आप चाहते हो कि आपका करंट अफेयर्स एक बार में डन हो जाए तो दिस इज द कोर्स विच यू कैन ऑप्ट फॉर सात दिन का फ्री ट्रायल भी मिलता है आपको इसके लिए लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन राइट आप चेकआउट कीजिए लिंक और आप जरूर ये क्लास लगाइए आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स कवर करते कैसे हैं कौन से कवर करने हैं कौन से छोड़ने हैं मेन प्रॉब्लम यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विस के अंदर वो यही है कि हमें ये नहीं पता होता कि करंट अफेयर छोड़ने कौन से हैं हमें ये तो पता है कि क्या पढ़ पढ़ सकते हैं लेकिन मेन मुद्दा इतना बड़ा अखबार इतने सारे मैगजींस uh, तो उसके अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि छोड़ना क्या है राइट तो यहाँ पे आप वो सब चीज़ें सीखोगे प्री एंड मेन का बैच है ये ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्मेट दोनों में है एंड इसके थ्रू आपका एक रजिस्टर प्रिपेयर होता है एंड उस रजिस्टर से बाहर आपका यूपीएससी के अंदर सवाल नहीं आएगा राइट एंड दिस क्लास इज अग एनेबलर टू गेट अ रैंक वाई बिकॉज इसके थ्रू आप सोचना सीखते हो करंट अफेयर की भाषा में राइट right? अब करंट अफेयर बेसिकली है क्या वेरियस के अंदर आया हुआ लेटेस्ट डेटा राइट तो वेरियस सब्जेक्ट्स के अंदर आपको करंट रेलिवेंस मिलनी शुरू हो जाती है आप कोई भी जीएस कर रहे हो अगर आपने ये आप ये क्लास लगा रहे हो तो आपको हर जीएस का कोई ना कोई तगड़ा करंट अफेयर पता होगा और करंट रेलिवेंट्स के थ्रू ही आपका स्ट्रेटिक भी आता है आप सबको पता ही है और इस क्लास के थ्रू आपका जितना फायदा हो सकता है आई डोंट थिंक कि कोई और क्लास कर सकती है जी एस इज स्टैटिक ऑल ओवर इंडिया इतना सभी फर्क नहीं आता है बहुत माइन्यूट फर्क आता है जीएस पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा फर्क हर जगह कंटेंट बिल्कुल सेम है दिस इज द क्लास जो एक्चुअल डिफरेंस आपको आ, डालेगा आपकी तैयारी के अंदर राइट तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन चेक इट आउट ट्रायल लीजिए आइए क्लास में नहीं पसंद आया तो ठीक है बट एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे कि करंट अफेयर्स पढ़े कैसे जाते हैं राइट और क्या है कि ये जो भारत टैप का एक एक स्लाइड रहेगी थी उसमें द इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन एंड ऑल मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन रोप्ड इन टू अडॉप्ट एंड प्रमोट न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर एफिशिएंट फिक्स्चर्स ठीक है जी तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारी थे इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन और सारे मैन्युफैक्चरर्स जो इसके हैं वो इसके अंदर पार्ट लेंगे इसको उनको रोप इन किया हुआ है चलिए टू पॉइंट ओ यहां से देखते हैं प्राइम मिनिस्टर देखने की जरूरत नहीं है अमृत की क्या फुल फॉर्म है यहां पे अटल मिशन फॉर रिजुबनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन टू पॉइंट आ चुका था इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द अमृत मिशन लॉन्च इन जून 2015 टू एंश्योर दैट एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू टैप विद द विद्योर सप्लाई ऑफ वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन ठीक है जी तो ये है अमृत मिशन अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तो इसके थ्रू आप मुझे जरूर एक बार अगर मैंने शायद किया हाँ मैंने शायद मेंशन मेंशन किया हुआ कर दिया इसके थ्रू आपको पता लग जाएगा ये चीज कि किसके अंडर है ये द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तो ये एक अर्बन मिशन है अमृत मिशन इज एन अर्बन मिशन तो अर्बन हाउस हाउस हर हाउस होल्ड के अंदर एक्सेस टू टैप वाटर प्लस सीवरेज कनेक्शन चाहे वो आपका सेप्टिक के थ्रू है चाहे वो कनेक्शन के थ्रू है एनी चीज एनी थिंग और यहाँ पे आप आ, उसके थ्रू अमृत के थ्रू आप ये दोनों चीजें एवरी हाउस होल्ड के अंदर आप प्रोवाइड करोगे ये मिशन है ठीक है अमृत टू पॉइंट एम्स टू प्रोवाइड हंड्रेड परसेंट कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड्स इन अराउंड फोर्टी सेवन हंड्रेड यू एल बीज यू एल बीज अर्बन लोकल बॉडीज ठीक है इट ऑल्सो सीक्स टू प्रोमोट आत्मनिर्भर भारत थ्रू एनकरेजिंग स्टार्टअप्स एंड एंट्रप्रनोर्स ठीक है पीपीपी मॉडल के थ्रू ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि कोई भी नया कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही, बहुत ही अमृत है। है तो अम टू पॉइंट हो क्या करेगा ये थोड़े से मैंने मेन मेन पॉइंट यहां पे निकाले सारे करने की जरूरत नहीं है आई टेल यू क्या क्या करना है वाटर सप्लाई प्रोवाइड हंड्रेड परसेंट कवरेज मैंने देख लिया सीवरेज प्रोवाइड हंड्रेड कवरेज ठीक है जी क्या करता है ये इट विल बिल्ड अपॉन दी प्रोग्रेस अमृत टू एड्रेस इनलैंड का सर्वे किया था है ना आई डोंट थिंक अब मेरे को याद नहीं आ रहा कि इसकी टू द पॉइंट के अंदर वो वीडियो है या नहीं पर हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था कि वेस्ट बंगाल स्टेट ऐसी जिसके अंदर सबसे ज्यादा इनलैंड वाटर बॉडीज हैं राइट और आ, इवन जिस एरिया से जहाँ पे हमारी क्लासेस लगती है चंडीगढ़ एरिया में उसकी सेकंड हाईएस्ट यूटी में आता है वो कुछ इस टाइप का वहाँ पे डाटा आपको देखने को मिलता है राइट तो रीजुबिनेट वाटर बॉडीज उनको रिजुबिनेट करना है ना वो आ, हमारे इको सिस्टम प्रजर्वेशन के लिए और वाटर नीड्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी जो वाटर, वाटर बॉडीज है बेटर मैनेजमेंट ऑफ एक्विफायर्स री यूज ट्रेटेड वेस्ट वाटर देयर बाय प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनमी ऑफ वाटर ठीक है जी ये काम है इसका बेसिकली आपको ये वाटर मैनेजमेंट के राउंड में इसको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जितने भी जितनी भी चीजें वाटर मैनेजमेंट में होती हैं अमरूत टू पॉइंट के थ्रू वो होगी वाटर सप्लाई हर किसी घर को सीवरेज हर किसी घर को रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज ये भी हमने देख लिया रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर इट इज एक्सपेक्टेड टू कैटर टू ट्वेंटी ऑफ टोटल वाटर नीड्स ऑफ द सिटीज एंड फोर्टी ऑफ द इंडस्ट्रियल डिमांड्स ठीक है तो और रीयूज ट्रीटेड वाटर इतनी इतनी डिमांड को जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि ये पूरा करेगा 20 परसेंट ऑफ द वाटर जो आ, शहरों में हम भेजने वाले हैं तो वो 20 परसेंट ट्रीटेड वाटर होगा और इंडस्ट्रीज के अंदर 40 परसेंट ट्रीटेड वाटर होगा ऑफ द टोटल सप्लाई और एक है पे जल सर्वेक्शन इट विल बी कंडक्टेड इन सिटीज टू सर्टेन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर री ऑफ वेस्ट वाटर एंड मैपिंग ऑफ वाटर बॉडीज पे जल मतलब ड्रिंकेबल uh, वाटर uh, राइट right, इसको पोर्टेबल बोलते हैं कि आप पॉट में रख के पी सकते हैं उसको पोर्टेबल वाटर तो पेयजल का मतलब वो होता है पेयजल सर्वेक्षण तो वो भी अमृत टू पॉइंट का जो है वो पार्ट है आज की वीडियो में इतना ही है इसके बाहर कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो इससे इससे बाहर नहीं आएगा अगर भारत टैप भारत टैप और अमृत टू के थ्रू कोई सवाल आता है तो इन इन चीजों को कवर करते हैं वो आपने याद रखना uh, है कि अर्बन प्रोजेक्ट है अमृत और साथ में जो इसकी मिनिस्ट्री uh, है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट वो वाली मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री रहेगी प्लस लेट मी रिमाइंड यू कि आपके पास सात दिन का फ्री ट्रायल है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये प्लेटफॉर्म जहां पे आप इसको देख रहे हैं अभिमन्यू आई है इट्स अ प्लेटफॉर्म विच हैज मोर देन ट्वेंटी थ्री ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड हैज गिवन आउट मोर देन टू थाउजेंड पॉजिटिव रिजल्ट सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन तो ये एक ऐसी जगह है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट कि ज़रूर आप एक बारी ट्रायल लेके देखिए इसके बाद फर्दर ज्वाइन करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई नेम इज़ रोहित गर्चा दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट